अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम नेपाल। तो आज हम लोग मौजूद हैं काठमांडू में, जो कि नेपाल का कैपिटल है। और काठमांडू का एक और बहुत ही हैपनिंग एरिया है थमिल डिस्ट्रिक्ट। और थमिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशहूर है अपने जो भूल भुलैया जैसी गलियां होती हैं ना, बहुत ही पतली और छोटी छोटी गलियों की वजह से। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एंशियंट हिंदू टेम्पल्स हैं और बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना यहाँ पर शॉप्स हैं, ओके, और ज्वेलरी शॉप्स हैं काफ़ी तादाद में, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है। मतलब अगर आप सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप थमिल में स्टे कर लें और बाय वॉक आप पूरा जो है ना थमिल एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। चलो मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस कल रात को तकरीबन 10-11 बज गए थे और हमने डिनर किया बाहर, उसके बाद सो गए थे। तो अभी हम बाहर निकले हैं और यहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट है बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेरियन, वहाँ पर हमने पराठे खाने आलू और गोभी के पराठे ऑर्डर किए, उसका वेट कर रहे हैं। तो गाइस यमी किस्म के हमारा मूली का पराठा आ चुका है, जो कि बहुत मिस कर रहे थे हम लोग। गोभी का पराठा, सॉरी, जी। तो गाइस नेपाल की जो गलियां हैं ना, उनका एक अलग ही मज़ा है, अलग ही किस्म की रौनक है। और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, जो ट्रैकिंग वगैरह करने आते हैं ना। तो अगर ट्रैकिंग करने आ रहे हैं तो यहाँ से ट्रैकिंग गियर खरीद सकते हैं बहुत ही अच्छे दामों में। यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन है, ये क्लोथिंग सेक्शन है पूरा, लाइन से कपड़ों की दुकानें हैं। और उसके अलावा पीछे काफ़ी सारी ज्वेलरी शॉप्स भी गई हैं, जेम स्टोन्स वगैरह भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये जो दुकानें हैं ना बहुत ही पुरानी है, कदीम दुकानें हैं, इनकी एलिवेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ही पुराना बाज़ार है ये। और अभी जो है ना हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, जिसकी वजह से रोड थोड़ी ख़राब है, लेकिन मज़ा आ रहा है बारिश में। जी तो गाइस हज़ारों की तादाद में तमिल में नेपाल में आपको इस तरह के टेंपल्स मिल जाएंगे। और जो ये टेंपल जो है ना आम नहीं है, बहुत ही एंशियंट और कदीम टेंपल्स हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टेंपल जो है ना वो 2015 में आज कल आया था, तो उससे तबाह भी हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट है यहाँ की उन्होंने उसको रिपेयर कर लिया है। ये देखो कितना ज़बरदस्त टेम्पल है। Okay.
जी तो गाइस ये देखो, ये है ज़िंदगी, किस कदर खूबसूरत नेचर है यहाँ पर। और ये सारे बर्ड्स जो है ना, इस बात की गवाही हैं कि यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ही थ्रिलिंग है, सस्टेनिंग है और काम है। और सैफ मोहम्मद को आज हमने फिर यहाँ पर कैरी कर लिया है अपने कैरी कॉट में। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, इतनी अच्छी नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो ये बहुत कन्वीनियंट है। और हमने आज हमारा इरादा है कि हमने पैदल ही एक्सप्लोर करना है। और ये देखो, इस तरह से खाना डाल सकते हैं कबूतरों को दाना। ये देखो, एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल मार्केट है कोई, और नीचे जो है ना शॉप्स हैं काफ़ी। क्या कारीगरी है, हज़ारों साल पुरानी ये बिल्डिंग है और वुड का काम किया गया है, लकड़ी का। बहुत ही हसल एंड बसल है इस चौक पर। और यहाँ पर जो है ना, इस तरह के साइकिल रिक्शे बहुत मिलते हैं, जो कि इन छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जी तो गाइस, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है ना, लस्सी पीते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग भी एक ट्राई करते हैं, एक वन ओनली स्मॉल, तो चेक करो। उसमें काफ़ी ज़्यादा ये किशमिश वगैरह जो है ना, रेजिन और काजू भी है, और ये मिल्क है। कितना है? 90 रुपीस। तो सिर्फ 90 रुपये का एक ग्लास है लस्सी का, ज़बरदस्त। हाँ, काफ़ी यूनिक किस्म की लस्सी, बहुत ही हैवी किस्म की, और बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है। और जो किशमिश और जो काजू है ना, उसका जायका इसको बहुत ही मुनफरिद बना रहा है। जी तो गाइज, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है काठमांडू फायर ब्रिगेड, और इस बिल्डिंग को 1937 में बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा जलजले झेल चुकी है ये, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। और वॉक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार स्क्वायर पर, जो कि यहाँ का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जी तो गाइज, मेरे बैक पे जो आप देख रहे हैं, ये बसंती प्लाजा है, और ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, ब्रिक्स को यूज़ करके बनाई गई है। और इसकी जो खूबसूरती है ना, वो इसकी विंडोज़ में है, जो लकड़ी की बनी है, बहुत ही कमाल की विंडोज़ है। और बारिश जो है ना, तेज़ हो गई है काफ़ी, सेफू भी गीला हो चुका है, लेकिन मज़ा आ रहा है, हल्की सी ठंड हो गई है। गाइस सेफ को देखो, कितना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, बारिश में गीला हो रहा था पूरा, लेकिन फिर भी हंस रहा है और रोया नहीं है। काफ़ी ठंड भी हो रही है अभी। जी तो गाइस, ये एक और एंशिएंट बिल्डिंग है यहाँ की, और ये लग रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई है, और बहुत ही कमाल की बिल्डिंग है। मतलब जो पूरा जो एक पीस लगा हुआ है ना विंडो का, वन पीस है हाथ से बनाया हुआ वुड का, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ना ना, ज़बरदस्त किस्म की बारिश। तो फिलहाल हम ये कैफ़े में आ गए हैं, बहुत ही क्यूट सा कैफे है दरबार स्क्वायर, और ये गर्मा गर्म हमने फ्राइज ऑर्डर किए, चिप्स को लगा।
Yeah.